हेलो एवरीवन, दिवाली पर इस बार कुछ नया ट्राई करें तो इस तरह से नई रेसिपी के साथ आप बनाइए चेरी लड्डू, जो खाने में बहुत टेस्टी हैं और दिखने में तो आप खुद देखकर बताइए कितने अच्छे लग रहे हैं। तो पूरी वीडियो एंड तक ज़रूर देखिए। अब हमने यहाँ पर गीला नारियल लिया है। गीले नारियल को मैंने कद्दूकस कर लिया। मैंने यहाँ पर एक मोटे तले की कढ़ाई लिए, उसमें मैंने घी डाला है। घी अच्छा गर्म हो गया तब मैंने इसमें जो नारियल हमने किसा था उसको हम इसमें मिक्स कर लेंगे। गैस की फ्लेम हम मीडियम रखेंगे। मीडियम फ्लेम पर हम इसे 5 से 7 मिनट तक रेगुलर हिलाते हुए पकाएंगे। मतलब नारियल हमारा थोड़ा सॉफ्ट हो जाए इतनी देर हमें इसे सेकना है। दिवाली पे कुछ नया ट्राई करना तो बनता है ना, तो इस तरह से आप ज़रूर दिवाली पे नया ट्राई करिए और सबकी वाहवाही लूटिए। इसमें अब मैंने मावा मिक्स कर दिया। मावे को हमें इसमें मिक्स होने तक ही पकाना है। खोपरे में मावे का कलर चेंज होने तक हमें इसे नहीं पकाना है। मावे को भी हम सिर्फ 5 से 7 मिनट ही पकाएंगे। मावा मतलब इसमें कोकोनट में खोपरे में अच्छे ढंग से मिक्स हो जाए। ये देखिए मावा हमारा अच्छे ढंग से खोपरे में मिक्स हो गया, दोनों मिक्स हो गए। बस हमें इतना ही पकाना है, हमें मावे को ज़्यादा नहीं पकाना है। हमारी रेसिपी को रेडी होने में 10 से 15 मिनट लगे हैं और मैंने इसमें चाशनी नहीं बनाई, ना ही मैंने ज़्यादा बर्तन फैलाए। देखो बर्तन तो कई बार बहुत फैलते हैं ना, मैंने इसमें बर्तन नहीं ख़राब हुए हैं। मेरी सिर्फ़ एक कढ़ाई में ही सारा रेसिपी रेडी हो गई। इसमें मैंने शक्कर डाल दी। शक्कर को हम अच्छे ढंग से मेल्ट होने तक इसमें भुनेंगे। ये देखिए शक्कर हमारी अच्छे ढंग से मेल्ट होगी। अब हम इसमें मिलाएंगे फूड कलर। मैंने यहाँ पे रेड फूड कलर का यूज़ करा है। दिवाली पे कलरफुल तो होना चाहिए ना, तो मैंने यहाँ पर आज बना है कलरफुल लड्डू। मैंने बनाया चेरी लड्डू। इस तरह से देखिए कितना अच्छा कलर आया है इसमें। देखिए इस तरह से आप इसमें फूड कलर डालिएगा। ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो डालिए, आप नहीं है तो आप स्किप भी कर सकते हैं। पर इस तरह से कलर डालने में इसमें बहुत अट्रैक्टिव लगते हैं लड्डू। मतलब उनको इच्छा होती है कलर देख कर ही कि नहीं यार एक तो बनता है। अब इसमें मैंने गुलाब जल डाला है, इलायची पाउडर डाला है। गुलाब जल से इसमें ना लड्डू में इतनी सौंधी स्मेल आती है, अपने आप अट्रैक्ट करती है। इस तरह से जब हमारा कढ़ाई छोड़ दे जब तक हमें इसे पकाना है, हमें ज़्यादा नहीं भुनना है इसे। हमारा इसको अब हमने ठंडा कर लिया, एक प्लेट में निकाल लेंगे। 10 से 15 मिनट में हमारी लड्डू का बैटर रेडी हो गया। आप सबको मेरी रेसिपी अच्छी लग रही है तो प्लीज़ मुझे कमेंट ज़रूर करिए और किस किस ने इस तरह से दिवाली पे लड्डू बनाया वो ज़रूर मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अब चेरी लड्डू है तो चेरी तो मिक्स होएगी ना, तो इसमें मैंने यहाँ पर चेरी मिक्स कर दी। आपके पास कोई सी भी कलर की हो आप वो मिक्स कर सकते हैं। अब हमारे बनाएंगे इसका लड्डू। ये हमने इस तरह से हाथों में इसको प्रेस करते हुए लड्डू का शेप देंगे। आप चाहे तो इसे पेड़े का शेप भी दे सकते हैं और नहीं तो आप इसे जमा भी सकते हैं, इसे चक्की का शेप भी दे सकते हैं। मैंने यहाँ पर लड्डू का शेप दिया है। लड्डू अच्छे ढंग से बना लिए, फिर मैंने उसे कोकोनट पाउडर के इससे लपेट दिया। ये देखिए हमारे लड्डू कितने अच्छे बने। इस तरह से मैंने सारे लड्डू रेडी कर लिए। इस तरह से बने लड्डू खाने में बहुत टेस्टी लगते हैं और दिखने में तो